So yes, Gitanjali, first of all, introduce yourself before entering into the snap of geotechnical engineering, as you have interview in IOCL dated this 13th October 2022. Yes, sir. So, yes, go ahead. My name is Gitanjali Yadav. I am basically from Lucknow. I did my 10th and 12th from Kendriya Vidyalaya. I completed my graduation in civil engineering from Bundelkhand Institute of Engineering and Technology in the year 2021. Currently, I am pursuing M.Tech from Aerospace Department from IIT Bombay. Speaking about my family, my father is a government employee. He has served 20 years in Air Force and currently he is working in State Bank of India. My mother is a housewife. I have three siblings. My final year project was on zero net zero energy building, and my strength is that I am very flexible and adaptable person. I easily socialize with others. My weakness is that I am very detail oriented person. Thank you. What was your project, Gitanjali? What you said? Project net zero energy consumption building. Energy consumption building. So what you did in this project? Sir, मैंने इस project में पहले तो एक building लिया था, जो residential building होता है, 4 BHK, 2 floor, of area 2000 square feet. And sir, मैंने उस building में ये find किया था कि उसका yearly consumption कितना है, annual yearly consumption कितना है. उसके बाद फिर उस consumption को, उस energy requirement को मैंने सोलर पैनल की मदद से फुलफिल करने की कोशिश किया सर, क्योंकि बेसिकली नेट जीरो कंजम्पशन कितना है आपने कैसे कैलकुलेट किया गीतांजलि? सर सर पहले मैंने ये देखा कि हाँ कि एक 4 BHK अपार्टमेंट में कौन कौन से अप्लायंसेस हम जनरली यूज करते हैं, जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं, फैन, ट्यूब, ट्यूबलाइट यूज करते हैं, देन वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, ये सब. तो इसे हमारे अपने पास अप्लायंसेज जो हम लोग डेली यूज करते हैं, यानी कितने कितने घंटे हम लोग यूज करते हैं, तो उससे मैंने एयरली कंजप्शन निकाल लिए थे सर. पहले वन डे निकाला, देन उसको मैंने 12, फिर मैंने उसको 12 मंथ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था सर. सो वन डे इज 30 प्रोजेक्ट, राइट? यस सर. सर मेरे बीटेक प्रोजेक्ट से वो कोविड की वजह से सब थ्योरेटिकल हुआ, प्रैक्टिकल इतना कुछ हो नहीं पाया था. तो सर जितना मुझे डेटा ऑनलाइन मुझे मिल पाया उसके थ्रू मैंने उसको कवर किया था, कंप्लीट किया सर. देन सर जितना एयरली कंजप्शन आया उसको मैंने उस एनर्जी, क्योंकि नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का कंसेप्ट ये है कि जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से. तो सर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास सोलर पैनल कॉमन है आजकल, विंड पावर, टाइडल एनर्जी और ये जो जियो थर्मल एनर्जी, हम लोग इतना कॉमन नहीं है. तो सोलर पैनल हम लोगों ने मोस्टली यूज किया था. फिर सर हमने ये देखा कि हाँ कि इतना रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इस रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना है सोलर पैनल की मदद से. तो फिर हमने निकाला सर कितना सोलर पैनल हमें जरूरत पड़ेगी और कितना हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, एंड वो सोलर पैनल सर हमारा 25 निकल के आया था, एंड जो हमारा नेट एयरली कंजप्शन था सर वो अराउंड कुछ 4500 किलोवाट आवर आ रहा था सर. तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें 25 पैनल की जरूरत पड़ी थी, एंड वो कितना एरिया, लगभग 570 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रहा था, एंड उसके लिए जो बैकअप बैटरी की जरूरत पड़ी थी. गीतांजलि, सपोज व्हेन वी आर जस्ट पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस सर, एंड सो जनरली इट इज अ कंजम्पशन इज इन टर्म ऑफ द यूनिट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी रेट इन टर्म ऑफ यूनिट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और एरिया. So, yes, say an example, sir. This per unit rate is 9 rupees. So, what is the meaning of this unit? Unit consumption of electricity. Sir, it, unit generally energy ko bata raha, wo kilowatt hour ko bata raha. Sir, it's not power, it's energy, kilowatt hour. So, what it mean? Sir, it means that ki 1 hour mein kitna energy hum consume kar rahe hain, sir. Kitna power consume kar rahe hain, sorry. To wo kitna hai? अगर हम एक यूनिट की बात करें सर, वो लगभग मेरा आया था 12 से 13 के बीच में आया था सर, मेरा 12 से 13 किलोवाट आवर आया था सर. नहीं, अगर आपने किलोवाट आवर को डिफाइन करना तो कैसे करोगे गीतांजलि? क्वेश्चन ये है. ठीक है, अच्छा, एंड टुडे यू वांट स्नैप फॉर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, राइट? यस सर. ओके,
एंड यू हैव इंटरव्यू इन IOCL. यस सर. सो सपोज गीतांजलि यू गॉट सिलेक्शन इन IOCL एंड स्टैक कंस्ट्रक्शन इज देयर, चिमनी का काम चला हुआ है, स्टैक कंस्ट्रक्शन एंड बीइंग एन सिविल इंजीनियर, सो प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ दिस स्टैक, सो सम फील्ड टेस्ट यू हैव टू रिकमेंड, सो व्हिच फील्ड टेस्ट यू विल रिकमेंड एंड व्हाई? सो पहले तो सर सॉइल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि चिमनी की हाइट बहुत ज्यादा होती है, चिमनी की हाइट ज्यादा होती है एंड उसमें वाइब्रेशन का भी इफेक्ट आ सकता है जिस लैंड पे वो चिमनी होगा. तो हम उस लैंड का पहले शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, जितने भी स्ट्रेंथ होते हैं, लाइक शियर स्ट्रेंथ हो गया हमारा एंड उसमें जो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेंथ है हमारे सॉल की, ये फाइंड आउट करेंगे. एंड शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए सर हमारे पास मेथड्स है, दैट जैसे कि हमारे पास कंसोलिडेटेड टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड टेस्ट है उसके थ्रू. और एज फॉर अगर मेरा लैंड है, अगर मुझे फाइंड पता करना पड़ेगा कि वो लैंड उसमें पाइल फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी सर, उसके लिए हमारे पास ऑगर बोरिंग टेस्ट है, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, हैव यू हर्ड द नेम दिस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट? यस सर, SPT टेस्ट. तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस डेप्थ पे हमें वो फाउंडेशन सेट करना होता है उस डेप्थ तक हम लोग पहले उस लैंड को डिग कर लेते हैं. उसके बाद आफ्टर 150 mm तक, आफ्टर 150 mm के गैप पे हम लोग सॉइल का सैंपल लेते हैं एंड देन उस पे. यस यस, गो अहेड गीतांजलि. तो सर उसपे हम लोग ना वो निकालते हैं कि हाँ हाँ सर, जो हम लोग जैसे 150 mm जैसे फर्स्ट में डिग किया, डिग करने के बाद हम क्या करते हैं कि 150 mm पेनिट्रेशन के लिए कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे, वो नंबर ऑफ ब्लोज हम लोग काउंट कर लेते हैं एंड उससे हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज काउंट कर लेते हैं और उससे हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं. वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल बाय टेकिंग द नंबर ऑफ ब्लोज. देन ऐसे सर हम लोग 150 mm तक करते रहेंगे. यस सर. सो हाउ विल यू डिफाइन SPT नंबर? SPT नंबर कैसे डिफाइन करोगे गीतांजलि? सर वो 150 mm तक नहीं लेते हम लोग, एक पर्टिकुलर वो डेप्थ तक लेते हैं. तो लास्ट के 300 mm जो हमारे पेनिट्रेट, लास्ट के 3 mm, हाँ 300 mm पेनिट्रेशन जितने नंबर ऑफ ब्लोज लगते हैं, मतलब लगे हैं, उसको हम लोग SPT नंबर बोलते हैं सर. अच्छा, इसमें जो जिस चीज में हमारा सॉइल सैंपल कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सर इसका नाम मुझे पता था लेकिन मैं अभी भूल रही हूँ इसका नाम. चलो मैं आपको बता देता हूँ, स्प्लिट स्पून सैंपलर. यस सर, स्प्लिट स्पून सैंपलर. हाँ, तो स्प्लिट स्पून सैंपलर में हम लास्ट का 300 mm पेनिट्रेशन कोरस्पोंडिंग ग्लोव्स काउंट कर रहे हैं, व्हाई नॉट फर्स्ट 150 mm? सर फर्स्ट 50 mm इसलिए नहीं करते ना कि शुरू शुरू में हमारी सॉइल थोड़ी सॉफ्ट सी होती है, शायद सॉफ्ट सी होती है तो वो जल्दी पेनिट्रेट कर जाती है सर, तो इसलिए हम लास्ट के 300 mm का लेते हैं. लेकिन आपने तो डिग किया ना पहले, आपने तो होल डिग किया, लेकिन सर वो अपने वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से वो पेनिट्रेट करेगा सर. एंड सर वो होता है ना कि शुरू शुरू में हमारा दो हम लोग जो करेक्शन लगाते हैं, एक ओवर बर्डन एंड वाटर एंड एक सर एक वाटर से रिलेटेड भी हम लोग लगाते दो. तो सर उसमें क्या होता है कि वो अपने वेट की वजह से कुछ वो सिंक कर जाता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं सर. ठीक है. अच्छा, CBR टेस्ट का नाम सुने हो? यस सर, CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट. ये टेस्ट करने का पर्पस क्या होता है? तो इस बेसिकली इसको तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द पेवमेंट.
क्यों सॉइल में यूज नहीं करोगे? सॉइल में भी करते हैं सर, मुझे उसका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, सीबीआर टेस्ट। अच्छा सीबीआर क्या बताता है हमें? सर सीबीआर हमें बताता है कि 0.25 mm एंड 5.5 mm पे। टेस्ट नहीं बताना है गीता जी, सीबीआर क्या बताता है इन जनरल वे? सर अभी मुझे याद नहीं आया। अच्छा ठीक है, आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो स्टैक्स होंगे इनकी हाइट ज्यादा होगी है ना, तो हाइट ज्यादा रखने से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? सर हाइट ज्यादा तो अगर हम लोग उससे स्ट्रेंथ के हिसाब, अगर स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव में देखें तो जितनी हाइट ज्यादा होगी हमारा वो उसमें विंड फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, जिसकी वजह से वो उसका वो डिसबैलेंस हो सकता है, मतलब वो अपने बेस के अराउंड वो बेस के अराउंड वो टर्न कर सकता है, मूवमेंट आ सकता है। एंड अगर उसमें वो देखा जाए इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में, तो जितना वो हाइट पे रहेगा उतना मतलब पॉल्यूशन कम, मतलब जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कम आएगा वो गैसेस, कम पॉल्यूट होगी। तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसीडर द विंड लोड आल्सो। यस सर। तो आप बता सकते हो कि जो विंड कोड है, एज पर द विंड कोड एंटायर कंट्री दैट इज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? सर मैं कोड बता सकती हूँ, जोन के हिसाब से तो मुझे आइडिया नहीं है। इसके लिए जो विंड लोड के लिए IS875 पार्ट 3 यूज करते हैं सर। ओके ओके, सो कैन यू टेल मी इफ वी हैव टू डू दिस अंडर वाटर कंक्रीटिंग, सो व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट? मिनिमम ग्रेड सर ये तो सीवियर कंडीशन में जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन में आएगा, तो सर हम लोग 40 M40। ओके फाइन, सो यू मस्ट हर्ड अबाउट दिस लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। यस सर। सो अगर हमें ये लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट या श्रिंकेज लिमिट निकालो, इन शॉर्ट हमें PI वैल्यू ऑफ सॉइल निकालना है, तो किस तरह का सॉइल हम लेके चलते हैं टेस्ट में? PI प्लास्टिक इंडेक्स निकालना है, तो सर हम लोग ना वो लेते हैं सॉइल, लिक्विड एंड प्लास्टिक सॉइल लेते हैं सर। प्लास्टिक सॉइल का क्या मतलब है? प्लास्टिक सॉइल का मतलब होता है दैट कैन सॉइल व्हिच कैन इजीली डिफॉर्म। अगर हम मान लो हमें PI की वैल्यू 0 मिलती है, सो व्हाट इट मीन? सो इसकी प्लास्टिसिटी 0, दैट मींस उसको मोल्ड नहीं कर सकते हम अपने अकॉर्डिंग, उसकी शेप उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि रॉक वगैरह हो गया ना वो सब। नहीं तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो हम यहाँ पे सॉइल लेंगे, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और इन शॉर्ट प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए, वो सॉइल कैसी होनी चाहिए या इन शॉर्ट वो किस सीव से पास होनी चाहिए, क्वेश्चन ये है। अच्छा गीतांजलि, इफेक्टिव स्ट्रेस का आपने जिक्र किया, तो बता सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? यस सर, इफेक्टिव स्ट्रेस इज सर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर सर। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल वे में आप बता दोगे, वैसे क्या होता है? सर बताने। ओके ठीक है, सो आई थिंक राइट नाउ आई कैन प्रोवाइड फीडबैक टू यू। So, okay. See, Gitanjali. Yes, sir. So, IOCL, तो क्या वाकई में आपको IOCL में जाना है? जी सर। सर अभी वही मुझे मिला, इंटरव्यू कॉल वहीं से आया मेरे को, एंड सर इसीलिए अगर मैं रियली बताऊं तो IOCL सर एक बेस्ट, मतलब एक महारत्न कंपनी भी है, और सर वहां पे मैं काम करूंगी तो मुझे काफी एक्सपोजर भी मिलेगा, एंड यस सर। So you have to put effort in your interview. Gitanjali, interview ही आपका होगा deciding चीज, है ना? So अभी मैंने जैसे आपसे कुछ questions पूछे, even आपका project जो net zero energy consumption था, so I just ask कि अगर हम मान लो एक unit electricity consumption की बात करते हैं, only one unit, so what it mean? तो आप इसको अच्छे से define नहीं कर पाए Gitanjali, तो kilowatt hour, तो कुछ चीजें तो आपने बताई, that was fine.
तो आपको ये बोलना है कि सर जब 1000 वॉट का कोई भी अप्लायंस है, या मान लो कि हमारे पास बल्ब है 1000 वॉट, 1000 वॉट मीन्स व्हाट, 1 किलो वॉट, तो 1000 वॉट का कोई बल्ब अगर कंटिन्यूसली 1 घंटे तक ब्लो करता है तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 1 यूनिट। ओके सर, ठीक है, मैंने एक जनरल सेंस में आपसे पूछा था, बिकॉज आई डिडंट गो थ्रू मच इन योर प्रोजेक्ट, सो व्हाट यू डिड इन योर बीटेक। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यह था कि अगर मान लो आपका सिलेक्शन होता है और स्टैक कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होना है, चिमनी का काम स्टार्ट होना है, सो बीइंग एन सिविल इंजीनियर आपसे फीडबैक मांगा जा रहा है, आपके सजेशंस मांगे जा रहे हैं, वैल्यूएबल सजेशंस दैट वी रिक्वायर्ड प्रायर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फाउंडेशन ऑफ द स्टैक, तो आप कौन कौन से फील्ड टेस्ट वहां पे रिकमेंड करोगे? ठीक है, तो आपको कुछ टेस्ट हमेशा अपने ब्रेन के अंदर रखने हैं। गीतांजलि, सबसे पहले आप बोलोगे सर हम एक तो सॉइल चेक करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल वी हैव, सो इवन वी कैन डू दिस ग्रेडेशन टेस्ट आल्सो, सीव्स हमारे पास होती हैं, है ना, जिसमें से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज फाइनल है 75 माइक्रोन सीव से जो पास हो रहा है वो कितना है, और इवन उसके ऊपर जो रिटेन कर रहा है वो कितना है। सेकंड, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, ये हम कंडक्ट करेंगे, जिससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है सॉइल की हम डिटरमाइन करते हैं। और इसके रिगार्डिंग में मैंने आपसे कुछ पूछा था कि जो फर्स्ट 150 mm कोरस्पॉन्डिंग ब्लोज जो सेटलमेंट होता है 150 mm का, वो ब्लोज को हम डिस्कार्ड क्यों कर देते हैं, तो आपको बोलना कि सर वो एक तरह से सीटिंग लोड है, वो लोड इसलिए लगाया जाता है कि हमारा ये जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है वो पूरी तरह से सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ जाए, क्योंकि हम क्या लेके चलते हैं। तो कुछ हद तक आपका आंसर यहाँ पे सही भी था कि हमारा जो सॉइल होता है ना, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है गीतांजलि कि इसको आपने फाउंडेशन लेवल पे ही कंडक्ट करना है, बिकॉज जो हमारे पास सॉइल स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि ग्राउंड सरफेस से 0.5 मीटर नीचे, 1 मीटर नीचे, 1.5 मीटर नीचे या 2 मीटर नीचे, इस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन है, तो या तो हमें बोर होल टेस्ट डेटा से वो रिजल्ट मिलते हैं या फिर हमने एसपीटी टेस्ट कंडक्ट किया होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर जो टॉप सॉइल होता है ऑलवेज वेदर्ड सॉइल एंड हैविंग इररेगुलरिटीज और फॉरन मटीरियल्स दैट वी आर नॉट अलाउइंग देम, सो वट वी आर डूइंग, सो हम टॉप 150 mm सेटलमेंट कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नंबर ऑफ ब्लोज है उनको हम डिस्कार्ड करते हैं। आप सीधा बोल सकते हो सर एक तरह से सीटिंग लोड है, जैसे प्लेट लोड टेस्ट में होता है, ना, प्लेट लोड टेस्ट में भी हम एक सीटिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं बेसिकली सो दैट प्लेट प्रॉपरली मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आ जाए। फाइन जी सर, जी सर। सीबीआर टेस्ट मैंने आपसे पूछा, तो सीबीआर टेस्ट बेसिकली एक क्वालिटी ऑफ मटीरियल बताता है, हायर द वैल्यू ऑफ सीबीआर गुड विल द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल, है ना। तो मेरे जनरल वे में क्वेश्चन था आपसे गीतांजलि, ऐसा नहीं बोलना आपने कि सर ये हाईवे में ही हम पढ़ते हैं, हाईवे में ही करते हैं, ना, तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि सीबीआर के बारे में आपने सुना है, इसका क्या एप्लीकेशन है, तो आपको कुछ ऐसे बताना कि सर ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमें बताता है। तो ये एक लैब में हम टेस्ट करते हैं बेसिकली, जिसमें हमारे पास 50 mm डाया का एक प्लंजर होता है और जिससे हम लोडिंग लगाते हैं अपने सॉइल स्पेसिमेन के ऊपर, तो वो प्लंजर का पेनिट्रेशन 2.5 mm और 5 mm इनके कॉरस्पॉन्डिंग लोड हम मेजर करते हैं, और स्टैंडर्ड लोड सर हमें पता होते हैं, तो हम सीबीआर परसेंटेज के टर्म में हम डिफाइन करते हैं जो लोड टू लोड का ही रेशियो होता है। जनरली तो वैल्यू बड़ी आती है उसको हम सीबीआर रिपोर्ट करते हैं, और मोस्टली ये 2.5 mm सेटलमेंट कॉरस्पॉन्डिंग लोड रेशियो बड़ा होता है। अगर 5 mm के कॉरस्पॉन्डिंग बड़ा रेशियो आता है सर, तो हम पूरे के पूरे टेस्ट को रिपीट करते हैं। एंड वन थिंग दैट आई फॉरगेट टू मेंशन कि प्रायर कंडक्टिंग दिस सीबीआर टेस्ट, तो आपका जो भी स्पेसिमन होगा, चाहे वो सॉइल का सैंपल है, चाहे वो एग्रीगेट है, तो प्रायर कंडक्शन ऑफ द टेस्ट सैंपल्स आर सोक्ड इन वाटर फॉर 96 आवर्स, मतलब 4 दिनों तक उनको पानी में भिगो के रखा जाता है, उसके बाद टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आइए सर म्यूट हो गया। ये जोन 6, ये 6 जोन में कंट्री को डिवाइड करता है। ठीक है सर, विंड, विंड जोन में, हाँ विंड, IS 875 Part 3 विंड कोड है हमारा, तो इसने इंटायर कंट्री इंडिया को 6 जोन में डिवाइड करके रखा है। फाइन, और मेरे लास्ट क्वेश्चन जो आपसे था कि जैसे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करते हैं, लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो सॉइल सैंपल या मटेरियल होता है वो 425 माइक्रोन सीव से पास करना चाहिए, 425 माइक्रोन आईएस सीव। ओके सर, सर ये मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बाकी ठीक है, आप प्रिपरेशन करो, है ना, तैयारी करो आप गीतांजलि। ओके सर।